हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। अभी हम फिर से आ गए हैं संबलपुर जंक्शन पे। टाइम हो रहा है 6:48। आप पहले गेस कीजिए आज किसकी जर्नी होने वाली है। हिंट, नई ट्रेन है, गेस करके कमेंट करिए। उसके बीच में हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगाई नहीं गई है, वेट करते हैं अभी। और ये बैक होकर अपनी ट्रेन आ गई है। जी हाँ, यह है संबलपुर शालीमार महिमा गुसेई एक्सप्रेस, जो कि हाल ही में इनॉग्रेट की गई थी बाय ऑनरेबल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। यह अपनी कोच S6। ये वाली नई कोच है पूरी, बाकी कुछ पुराने कोच भी लगाए गए हैं विशाखापट्टनम पूरी डिपो वगैरह से लाके। टाइमिंग्स के अगर मैं बात करूं तो ये ट्राई वीकली ट्रेन है। हर संडे, ट्यूसडे और थर्सडे को निकलती है संबलपुर से रात को 7:10 पे। फिर अनुगुल, तालचेर से जाती है, तालचेर जाके रिवर्सल करके आती है। फिर ढेंकानाल, जाजपुर, मदरक, बालेश्वर होके शालीमार पहुंचा देती है आपको सुबह 7:20 पे। बालेश्वर 2:45 पे पहुंचती है। उसी तरह हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ये शालीमार के साइड से चलती है और अगले दिन सुबह आपको पहुंचा देती है संबलपुर। अपने निर्धारित समय 7:10 पे गाड़ी संबलपुर जंक्शन से निकल गई है। चमचमाती LHB कोच का मजा ही कुछ और है। ये साइड में खड़ी है झारसुगड़ा संबलपुर में, जो कि खतरनाक डिले के साथ चलती है। इसका कुछ अता पता नहीं होता, ज़्यादातर क्रू मेंबर्स, लोको पायलट, गार्ड वगैरह यहाँ से जाते हैं इस ट्रेन से। यहाँ पे देख सकते हैं काम चल रहा है सेकंड लाइन के लिए संबलपुर सिटी से जंक्शन तक। उल्टा जम्मू तभी संबलपुर एक्सप्रेस, इसको बहुत देर यहाँ खड़ा कर दिया था ताकि अपनी ट्रेन को शंट कर सके प्लेटफॉर्म पे, और अपनी ट्रेन जब डिपार्ट हुई तभी इसको अभी लिया जाएगा प्लेटफॉर्म पे। संबलपुर सिटी स्टेशन पे भी स्किप कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत रेयरली आपको मेन लाइन स्किप मिलता है, ज़्यादातर लूप पे लगाते हैं। स्टेशन को देखिए थोड़ा चौड़ा किया जा रहा है और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी बढ़ाई जा रही है ताकि फ्यूचर में संबलपुर जंक्शन पर रिवर्सल लेती हुई ट्रेनों को यहाँ से बाईपास करके निकाला जा सके। पैसेंजर अमेनिटीज़ को बढ़ाया जा रहा है। अरे यहाँ क्यों रोक दिया भाई? अरे अभी फिर से सिग्नल दे दिया है। और यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म 2 और 3 में काम चल रहा है। यहाँ पर और एक फुट ओवर ब्रिज बनेगा आज। ये हैरानी की बात है कि यहाँ पे एक भी मालगाड़ी खड़ी नहीं हुई है, क्या बात है भाई।
ऐसा नज़ारा बहुत कम मिलता है, सब लूप लाइनें खाली। ये प्लेटफॉर्म का वर्क जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तब आपको ट्रेनें डाइवर्ट होती हुई दिख जाएंगी। हम लोग अभी मानेश्वर स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। ये अपना पहला होल्ट रेडा कॉल और यहाँ पे ही हम लोग 1 घंटा 8 मिनट डिलेड हैं। बहुत टाइम रोके रखा और स्लो भी चलाया, पता नहीं क्यों, जंगल के बहाने शायद। ये एक नया वाला स्लीपर का कोच है, MCF रायबरेली से बन के आई है। इसके फीचर्स देख लीजिए, डस्टबिन, फायर एग्जॉस्ट और बेसिन दिया हुआ है ठीक से। यहाँ पे आपको दो दो चार्जिंग सॉकेट मिल जाएंगे, लाइट के साथ नाइट लाइट भी मिलेगा। नाइट लाइट मतलब ये वाला चार्जिंग सॉकेट। ये नीचे में कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं है, आप यहाँ पे बैठा के तार को यहाँ से निकाल सकते हैं, स्पेस ठीक ठाक है। बाकी इस साइड पे ये बॉटल होल्डर दिया हुआ है मिडिल बर्थ के लिए, ये अपर के लिए भी दिया हुआ है। यहाँ पे बैग वगैरह के लिए हुक्स, यहाँ पे भी वही हाल है, फैन, चार्जिंग सॉकेट, लाइट। यहाँ पे एक और चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे 6 बंदों के लिए 2 ही चार्जिंग सॉकेट है, इस तरफ के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पे बोतल होल्डर नीचे वाले बर्थ के लिए, तो सही है, स्लीपर में भी अच्छी खासी सुविधा दी गई है। तो इसी के साथ पहुंच गए हैं अनुगुल। ज़्यादातर बोर्डिंग इस ट्रेन की अनुगुल से ही होती है, जनरल कोच भी यहाँ से लगभग भरने वाला है, भीड़ देख के पता चल रहा है। यहाँ पे हम लगभग 25 मिनट डिलेड हैं, आगे और भी डिले होने वाला है। और एक नंबर पे आने वाला है भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस।
नीचे रोड स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, लूप लाइन से दिया जा रहा है स्किप, क्योंकि इस एरिया में मेन लाइन स्किप मिलना बहुत रेयर है, खासकर इस स्टेशन पे। यहाँ पे होगा अपना रिवर्सल तालचेर और साइड में खड़ी है पूरी तालचेर पैसेंजर, जो कि मेमो होनी चाहिए थी, लेकिन आईसीए ब्रेक क्यों दिया हुआ है मुझे नहीं पता, इनको मेमोरिक्स की शॉर्टेज हो गई होगी। खैर अपनी ट्रेन यहाँ पे लगभग एक घंटा डिलेड है अनगुल से तालचेर आने में, और एक घंटा लग गया इनको, मतलब रोक रोक के पूरा लाए हैं। आगे चल के देखते हैं कौन सा लोको लगा था हमारे ट्रेन में, अभी तक संबलपुर में हम लोग देखना भूल गए थे। तो वो यहाँ पर लगा हुआ था गोमो का WAP 739152। अच्छा, और आगे यार्ड जाते हैं और यहाँ से तालचेर बिमलगढ़ लाइन भी शुरू हो जाती है, जिसका काम चल रहा है। अब कब ख़त्म होगा मुझे नहीं पता, 2030 भी लग सकता है, 40 भी। और ये अपना लोकोमोटिव रिवर्स होके आ गया,
और ये हम डिपार्ट करते हुए जाजपुर केवंझर रोड, 2 घंटे 12 मिनट लगभग का डिले था। 12:55 को हमें यहाँ पहुँच जाना चाहिए, लेकिन पहुँचे 2:07 पे। इसका ये वाला जो प्लेटफॉर्म है डेढ़ घंटे डिले के साथ पहुंच चुके हैं भद्रक स्टेशन, कोड BHC। यहाँ से हम ईस्ट कोस्ट से चलकर SCR साउथ ईस्टर्न रेलवे में एंट्री लेने वाले हैं। ऑक्यूपेंसी इस ट्रेन की बहुत कम है अभी तक, मतलब अगर चार्ट प्रिपरेशन के टाइम पे बात करूँ तो लगभग 380 से 400 के लगभग सीट खाली रह जाते हैं स्लीपर में ही। तो रेलवे को कुछ करना चाहिए, ज़्यादा हॉल्ट्स ऐड करने चाहिए, और किस साइड से अगर एक्सटेंशन फिजिबल हुआ तो ज़रूर करना चाहिए खाली ट्रेन को चलाने के व्यतीत। ये वाला थोड़ा पुराना कोच है ICF का, वो S6 वाला पुराना नया है, MCF अच्छा बना है। ये थोड़ा इसमें फीचर्स कम है ICF वाले में। और यहाँ के स्टेशन पे ज़्यादातर मेन लाइन अराइवल डिपार्चर होते हैं तो बढ़िया लगता है। और ये पेड़ स्टेशन के बीच पेड़ मज़ा आता है भाई। हालांकि इस ट्रेन के टोटल होल्ड्स हैं 9, लेकिन अभी तक लगभग 40 से 45 जगहों पे ही रुक चुकी है। इतना घसीड़ा है इसको खुर्दा रोड डिवीज़न ने, मतलब क्या ही बताएं। लगता है डिपार्चर सिग्नल हो गया। तीन मिनट रुकने के बाद भद्रक से डिपार्चर हो गया। यहाँ पे अगर आपको ना पता हो तो 5 प्लेटफॉर्म्स हैं।
37 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन बालेश्वर पहुंच चुके हैं। ट्रेन अभी शालीमार तक जाएगी। यहाँ पर लगभग 1 घंटा 40 मिनट डिलेड है। और क्या एक्शन था भाई, 130 रानीताल के बाद से मज़ा आ गया एकदम। खड़कपुर डिवीज़न की ये बात तो माननी पड़ेगी, पंक्चुअलिटी बढ़िया मेंटेन करते हैं। रानीताल से बालेश्वर 54 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है और आधा घंटा लिया सिर्फ, सो एवरेज पड़ता है 108 का लगभग। बहुत बढ़िया रन था। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो पे।